हेलो मित्रों, अज असी बनावांगे साग। ते फ्रेंड्स, जो तुसी देख रहे हो पालक हैगा, विच साग हैगी है, मेथी हैगी है। तो चलो इन्हें पहले असी कटिंग कर लेने हैं। तो मित्रों, जिहड़ा तुसी देख रहे हो ये हैगा साग, जिहड़ा कटिंग कर लिया असी। ठीक है, ये भी साग है, कटिंग कर दो को टोकरियां साड़ियां भर गई है। तो ये हैगी है पालक। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाल ही असी मेथी मेथी भी साफ कर ली हैगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुण असी मेथी साग ते पालक नूं चंगी तरह धो लांगे, तां कि इस 'च बिल्कुल भी किरक ना रहे। अगर किरक आएगी तो साग का स्वाद खराब हो जाएगा। तो हुण अच्छी तरह इहनूं धो लीए। तो फ्रेंड्स, हुण असीं भांडे विच अद्धा पानी दा भर के उन्हों गैस ते धरांगे। तो पानी नूं उबालांगे। उबालण तो बाद असीं हौली हौली उहदे विच साग पावांगे ते इहनूं रिझावांगे चंगी तरह। ਮਿੱਤਰੋ, ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਰਿੱਝਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਰਿੱਝ ਰਿੱਝ ਕੇ ਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਿੱਝ ਰਿੱਝ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰਿਝਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘੋਟਣ ਅਤੇ ਘੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਗ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਣਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿੱਝੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਗ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਲਕ। ਪਾਲਕ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਕੇ।
ये हैगा अदरक ते लसण, होर असी ये पावांगे जिन्ना असी ज़्यादा पावांगे लसण अदरक उन्ना ये होर टेस्टी ते वधिया साग बनेगा। इस नूं हुण असी दोबारा ग्राइंड करांगे, जिहड़ा दोबारा पाया सी लसण अदरक। तो मित्रों लसण अदरक ते मिर्चा देखो ग्राइंड हो गई हैं, तो हुण इहनूं असी गर्म पानी थोड़ा इहदे च पावांगे। तो मित्रों जिहड़ा असी लसण अदरक ते मिर्चा का पेस्ट बनाया सी ओह हुण असी ये रिज दे साग विच मिक्स कर देंगे। हुण असी साग विच चंगी तरह कड़छी फेरांगे ते उहनूं लसण अदरक मिर्चा दे पेस्ट नूं चंगी तरह असी मिक्स कर देंगे। तो मित्रों हुण असी साग नूं चंगी तरह कोटांगे। तो मित्रों जिहड़ा तुसीं ये आटा देख रहे हो यह है मक्की का आटा, इस नूं असी आलण कहिंदे आ। तो जदों असी साग घोटदे हाँ तो साग विच ये आलण पाया जाता है। तो मित्रों जिन्ना असी साग नूं घोटते जावे तो इनू घोटते जावे उन्ना साग वधिया घुट जाएगा तो वधिया टेस्ट आएगा, मोटापन खत्म हो जाएगा साग का ज़्यादा। कई लोग मित्रों की करते हैं साग नूं मिक्सी विच घोट लेंदे ने पर वो साग का टेस्ट नहीं बनता जिन्ना कि हत्थी साग नूं घोट के बनता है। तो हाथी घोटे साग का टेस्ट एक वक्रा ही होंगे जेड़ा कि तुहानू मिक्सी विच घोटे साग का टेस्ट तो अलग ही टेस्ट मिलेगा। तो मित्रों मैं तुहानू घोटते हुए साग की पूरी वीडियो इसलिए दिखा रहा कि इहदे विच बड़ी मेहनत लगती है साग नू घोटन की, तो तुहानू पता लग सके जिहड़ा असली साग पंजाबी साग है किद्दां वधिया बनता है। तो पूरा दिन लग जाता है वैसे साग बनाने की, तो विच असी कई जगह कट भी लगाया है क्योंकि ज़्यादा पूरी वीडियो बनाओगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तुहानू जिहड़ी मेन चीज़ है वो ही ज़्यादा दिखा रहा। बाकी सारा दिन तो साग नू रिझाना ही पैंदा गैस ते, उस नाल साग वधिया बनता है। तो मित्रों हुण असी इहनूं फिर साग नूं रिझण लई रख दिता है, तो नाल असी गर्म पानी रखिया हैगा जिहड़ा कि असी पकदे हुए आलण विच पावांगे, क्योंकि जो असी साग नूं घोटदे हां उहदे विच आलण पाने आ उह कच्चा रह जांदा है, तो जो उस तो बाद असी साग नूं रिझाने हां ताकि उस आलण साग विच पक जाए तो कच्चे आलण का स्वाद ना आए। तो उस तो बाद इहदे विच असी गर्म पानी पाया है तो हुण इहनूं कड़छी नाल असी चंगी तरह हिलावांगे।
हूँ मित्रों असी जड़ा साग विच तड़का लाना है उसकी तैयारी करांगे। तो ये पहला असी सरों का तेल पा लांगे ते उस तो बाद सरों के तेल में गर्म होण देवांगे चंगी तरह। तो मित्रों इधर साडा सरों का तेल गर्म हो गया, ये असी प्याज पा देंगे कट्टे हुए। तो प्याजा असी चंगी तरह भुनेंगे इन्हों, तो प्याज जब तक साडा लाल नहीं हो जाता जब तक असं भुनते रहेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा सानू प्याजा भुनने की, क्योंकि तड़का असी काफ़ी ज़्यादा पाने साग साग का टेस्ट होर वधिया आ सके। नाल ही असी साग विच कड़छी मारते रहेंगे ताकि साडा साग थले ना लगे, तेनू नाल दे नाल ही लाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो नाल दे नाल ही मित्रों साडा तड़का तैयार हो रहा है, तो इन असी चंगी तरह भुन रहे हैं प्याजा नूं ताकि साडा प्याज ब्राउन कलर का हो जाए, थोड़ा लाली तो थोड़ा ब्राउन, ताकि तड़का साडा कच्चा ना रहे। इन असी चंगी तरह भुन लेंगे। तो फ्रेंड्स तड़का जिहड़ा असी बना रहे हैं उहदा रंग थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है, तो नाल दे नाल असी थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला देंदे जा रहे हैं ताकि साडा तड़का सड़ ना जाए थले ना लग जाए। तो इनू हल्का हल्का असी हिलाई जाते पे हाँ। तो दूजी साइड साडा साग रिज रहा है, उहनू असी सिम ते कर लिया, उहदे च वी नाल दे नाल कड़छी फेरी जाने ताकि वह भी साडा साग थले ना लगे। वैसे तो असी सिम ते रखे सिम ते रख्या हुआ साग थले नहीं लगता, वैसे जो फुल ते कर दिए फिर थले लगता। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी असी उहदे च कड़छी मार रहे हैं ताकि वह थले ना लगे। फिर भी इधर साडा तड़का तैयार हो रहा है। मित्रों असी हुण साग गैस तो ला लिया है, तो हुण इहदे च असी लावांगे तड़का। तो मित्रों हुण देखो साग बहुत वधिया लग रहा है, बड़ा वधिया बन चुका है। तो तड़के की हुण इहदे च पाना शुरू करते हैं। लो मित्रों साडा तड़का हो गया तैयार, तो असी इनू पाता साग दे विच। हुण असी इनू कड़छी नाल चंगी तरह मिक्स कर देंगे साग च। तो साग का स्वाद बड़ा वधिया बन चुका है, खुशबू बहुत वधिया आ रही है।
ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਗ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਧਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦਊਂਗੇ, ਆ ਗਈ ਮੂਲੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਾਗ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਗ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਸਾਗ ਬਣਿਆ ਹੈ।